क्या आप भी अपने WhatsApp से फुल HD में फोटो भेजना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने WhatsApp से किसी को HD में फोटो कैसे भेज सकते हैं, वो भी WhatsApp से फोटो को बिना क्वालिटी को लॉस किए हुए? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर हैं। देखिए, WhatsApp से जब कोई हमें चीज़ भेजनी होती है तो यहाँ पर देखिए WhatsApp को हम ओपन कर लेते हैं, और जैसे WhatsApp में यहाँ पर किसी को हम फोटो या डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उसकी क्वालिटी को लॉस कर देता है, कंप्रेस कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर जो हम फोटो भेजते हैं उसकी क्वालिटी लो होने के कारण थोड़ी अच्छी नहीं दिखती है। तो यहाँ पर जैसे हम कोई भी फोटो भेजना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, उसे फुल HD में ही भेजना चाहते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल में है, तो उसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप जिस भी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं उसकी चैट को ओपन कर लेना है। जैसे उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर भेजने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से करते हैं, और यहाँ पर देखिए जो आइकन मिल रहा है सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक बार आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आइकन मिलता है सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, और कुछ लोग यहाँ से गैलरी को चूज़ कर लेते हैं। जैसे आपकी गैलरी ओपन हो जाती है, यहाँ से आप कोई फोटो वीडियो से कुछ भी चूज़ कर लेते हैं तो वो यहाँ से भेज देते हैं, तो उसकी क्वालिटी को वो कम कर देता है, कंप्रेस कर देता है, लो कर देता है। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से भेजना है। यहाँ देखिए इसी आइकन पर फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए नीचे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ देखिए लिखा है ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट्स, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से देखिए आपके सामने आ जाएगा। अब यहीं से चाहे तो अगर आपके गूगल ड्राइव में कोई भी चीज़ है तो यहीं से भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर देखिए थ्री लाइन का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए इमेज आईडी वीडियो फोटो यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट देखने को भी मिलता है, तो यहीं से क्लिक करके आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए। वरना यहाँ थ्री लाइन के ऑप्शन पर देखिए क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए पिक्चर्स वीडियोस फोटोज आइडियो चूज कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चाहिए। तो यहाँ पर मैं पिक्चर्स पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे यहाँ फोल्डर्स आ जाते हैं। मुझे देखिए कैमरे का आइकन है, सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमें जो भी फोटोज भेजनी है, देखिए जैसे कि एक जो फोटो भेजी गई है ये लिखा है 3.331 MB की है, तो देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, और जैसे देखिए इस पर क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगी, और ये जितनी MB की है इतनी ही MB में जाएगी। अगर मैं वहाँ गैलरी से कोई भी फोटो को चूज़ कर लेता तो वो कंप्रेस हो जाएगी और वो ये 1.5-2 MB में कम कर देगा और इसकी क्वालिटी को भी लॉस कर देता है। तो अब ये इतनी ही MB में जाएगी। देखिए यहाँ पर शेयर के आइकन पर मैं क्लिक करूंगा, जस्ट देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 3.331 ही MB है, यहाँ पर पीछे का 1 हाइड हो गया है, उतनी ही क्वालिटी में यहाँ पर आप फोटो जाएगी, जरा सी भी क्वालिटी इसकी लॉस नहीं होगी, और सामने वाला इस पर क्लिक करेगा, इसे डाउनलोड कर लेगा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से उसे यहां पर शो हो जाएगी। सो इस तरीके से आप अगर किसी को भी कोई भी चीज भेजना चाहते हैं तो सिंपली इसी तरीके से आप HD क्वालिटी में उसकी वर्जनल क्वालिटी में भेज सकते हैं बिना 1% की क्वालिटी को लॉस किए हुए। तो इसी तरीके से आप अगर चाहे तो किसी हर एक फाइल डॉक्यूमेंट सब कुछ यहां से शेयर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसी तरीके से और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद।